हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर सी ऑनलाइन क्लास क्लास 8। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.2। अब देखिए, लास्ट पीरियड में हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस किए थे। अब उन्हीं को जो टाइप्स है हमारे पास, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। आगे कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स आपके पास गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करना है। तो वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग अब देखिए पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल। और पैरेललोग्राम के अंदर जो सम ऑफ एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। उसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हेयर ये देखिए 100 है, इसके अपोजिट फ्री एंगल वाई की वैल्यू क्या होगी, 100। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। देन वाई इक्वल टू क्या हो गया, 100, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब देखिए वाई की वैल्यू हमारे पास 100 फाइंड होगी। अब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो है उसका सम क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। इट मीन्स 100 प्लस जेड इक्वल टू 180, 100 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस के 100 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। जेड इक्वल टू 180 माइनस 100। 180 में से 100 माइनस कर दो, 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ जेड हमारे पास क्या आ गया, 80। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, जो लगातार हमारे पास एंगल आ रहे हैं उनका सम 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास, वाई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए जेड 80 डिग्री हमें फाइंड हो गया, तो अपोजिट एंगल एक्स के क्या होगा, 80 डिग्री होगा। प्रॉपर्टीज यूज करेंगे 50 डिग्री। अब देखिए इसके अपोजिट जो इंटरनल एंगल है हमारे पास, ये क्या होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब हमें पता है कि ये 50 डिग्री और जेड जो हमारे पास लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, देखिए समझिए इसको, ये हमारे पास 50, इसी का डायग्राम बना लेते हैं, और ये जेड, तो ये हमारे पास लीनियर पेयर एंगल हो गए। और लीनियर पेयर एंगल में हमारे पास एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 50 प्लस जेड 180 डिग्री होगी। 50 प्लस जेड इसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री। लीनियर पेयर जेड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जेड इक्वल टू प्लस 50 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 डिग्री। 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130। इट मीन्स वैल्यू ऑफ जेड हमारे पास कितनी है फाइंड हो गई, 130 डिग्री। जेड इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखिए जेड की वैल्यू 130, अब हमें फाइंड करनी है एक्स एंड वाई। जैसा अभी हमने देखा था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स एक्स प्लस 50 का अगर सम करें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री। तो प्लस के 50 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। इट मीन्स 130। तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 130, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए x आपके पास 130, तो इसी के अपोजिट ये भी क्या होगा, 130। पैरेललोग्राम में जैसे हमने डिस्कस किया था, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते। तो y की वैल्यू भी क्या होगी, y इज ऑल्सो 130 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज 3.3 के जो बाकी के क्वेश्चन है आप अटेंड कर सकते हो, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।
बट जो हमारे पास गिवन है उसी की प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। या तो फिर पैरेललोग्राम था, और भी हमारे पास कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास वैल्यूज फाइंड करनी है तो उसी की प्रॉपर्टी लगानी है जो हमारे पास गिवन होती है।